how's your life going on? Yes, sir. Going good? Yes. Right. So why are you here? Seeking better English. Seeking better English. Anyone? To develop confidence. Develop our confidence and or be a better speaker. Okay. You know, everybody is here. Everybody is facing some kind of problem about learning English. सबको यहाँ पर English language में problem होती है, ठीक है? अगर किसी की fluent है, fluency अच्छी है, that does not mean कि उसको problem नहीं है. हमारा क्या problem है कि हम समझते हैं कि English तेज बोलना ही English बोलना सिखा कहलाता है, ऐसा नहीं है, right? अगर यहाँ पे कुछ speakers हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन जब मैं उनको साथ बैठाता हूँ ना, तो इतनी mistakes होती हैं कि वो like IELTS का टेस्ट देने के लिए कामयाब नहीं है, राइटिंग में कामयाब नहीं है, ग्रामेटिकली वो रॉन्ग है मेरे. कुछ हैं जो कम बोलते हैं लेकिन अच्छा बोलते हैं, अच्छा तुम्हारा परफेक्ट बोलता है, अच्छा और परफेक्ट देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ मैसिव डिफरेंस बिटवीन अच्छा और परफेक्ट. और इंग्लिश में जो प्रॉब्लम हो रही है ना, इसका एक रीजन बताऊं आपको. सबके साथ एक मसला होगा, अगर है तो यस और नो में आंसर दो. क्या आप लोग इंग्लिश बोलते वक्त, जब इंग्लिश बोलते हो, क्या आप लोग पहले उर्दू बनाते हो बाद में इंग्लिश बोलते हो? यस सर. यस सर. हाँ, कितने लोगों को प्रॉब्लम होगी? पहले उर्दू बनाते हैं बाद में इंग्लिश बोलते हैं, ऐसा ही ना. ऑलमोस्ट 80% लोगों में प्रॉब्लम है उर्दू फिर कन्वर्ट नहीं. तो अब जो फ्लुएंट नहीं हो पा रहे हैं उसका एक रीजन देकर आया, पहले उर्दू बाद में इंग्लिश. तो जो सोचने का पीरियड है ना, हमारा सोचने का पीरियड, उसमें फ्लुएंट नहीं हो पा रहे. इसका एक ही रीजन है, अगर आपको अच्छे स्पीकर बनना है सो यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश. एक क्वेश्चन रेज हुआ आपके माइंड के अंदर, सर इंग्लिश में कैसे सोचें, इंग्लिश तो हमें नहीं आती है. आएगी, बिल्कुल आएगी. व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दिस, व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, जब सुबह उठो ना, एक काम करना है हमें, खाली सिर्फ एक काम. जो चीज़ आप सुबह, अक्सर ऐसा होता है सुबह जैसे कोई आप ऑफिस के लिए निकले, एक गाड़ी गुजरी बराबर से, उसमें गाना चल रहा था, पूरा दिन वो मुंह पे रहता है, ऐसा होता है, होता है ना? यस सर. यस और नो? यस सर. तो सुबह उठ के आपने क्या करना है, कोई भी अच्छे से स्पीकर को आपने सुन लेना है, 3 मिनट 2 मिनट 5 मिनट बाद है, सिर्फ ये आपके पूरा दिन में वो वर्ड्स क्या रहेंगे, माइंड में रहेंगे. तो जब वो वर्ड्स माइंड में रहेंगे तो आप सोचना भी इंग्लिश में स्टार्ट कर दोगे ऑटोमेटिकली. हर चीज आहिस्ता आहिस्ता बैलेंस होती चली जाएगी. पहला एक तरीका ये, तो प्रॉब्लम सॉल्व. प्रॉब्लम वन क्या है, इंग्लिश में उर्दू में सोचते इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं. तो उसका सोल्यूशन क्या है कि हमने सुबह उठ के एक वीडियो देखनी है, कोई भी किसी की भी देख लेना, ठीक है? और वो आपने क्या करना है, पूरा दिन आपके माइंड में रहेंगे. आपने कोई प्रैक्टिस नहीं करी इसकी, बस देख रहे हैं और अपने अपने कामों पे, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफिस कहीं भी चले जाना आपके, ठीक है? सोने जाना है तो सोने चले जाना, ठीक है? बहुत से लोग सो जाना कोई मसला नहीं, ठीक है? पहला. दूसरा क्या करना है आपने कि सुबह उठ के ना कम से कम अपने आप को एक मरतबा बोलना है आपने कि आई कैन डू इट. क्या बोल रहे हैं? हाँ, हम अपने आप को डिमोटिवेट खुद कर लेते हैं, यार मैं नहीं कर सकता भाई, ये कैसा करूँगा मैं, होता है ऐसा. तो अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना. क्या करना हमने, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ. इस लफ्ज में ना तासीर होती है. फॉर एग्जाम्पल, बुरा नहीं मानना, एक मिसाल देता हूँ समझाने के लिए, टू मेक योरसेल्फ अंडरस्टैंड. अगर मैं आपको इस वक्त गाली दूँ आपको बुरा लगेगा? यस सर. क्यों? वर्ड्स में तासीर है, ऐसा ही है. अगर आपको बुखार है तो कुरान पाक की कोई आयत पढ़ के दम करो, बुखार सही होगा नहीं होगा? क्यों? लफ्ज में पावर होती है, ठीक है? तो सुबह उठ के जब आप बोलोगे ना, यस आई कैन डू इट, उन वर्ड्स में पावर होगी. एक दिन एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि एक दिन असर नहीं होता, 2 दिन असर नहीं होता. अगर मैं इसको बोल दूं ना, किसी को भी यहाँ पर बोल दूँ, जैसे भाई कंपनी ग्रीन स्टाफ अच्छा नहीं लगता, आप एक दिन मेरी मान लोगे, 2 दिन बोलूंगा सुन लोगे, तीसरे दिन बोलूंगा सुन लोगे, एक हफ्ता कंटिन्यू बोलूंगा ना ग्रीन स्टाफ आप पे अच्छा नहीं लगता, आपको ग्रीन रंग से ही नफरत हो जाएगी. ये कभी आजमा के देख लेना, 1-2 दिन बर्दाश्त हो जाएगा, आपको नफरत हो जाएगी उसके बाद. तो व्हेन यू स्टार्ट telling yourself, yes, I can do it, I can do it, I can do it, I can do it, I can do it. तो वो होना शुरू हो जाएगा, थिंकिंग शुरू हो जाएगी. और जस्ट देन आपकी सुबह when you wake up, जब सुबह उठना है आपने, कभी ऐसा दिन आएगा आपकी लाइफ के अंदर कि जब आप सुबह उठोगे और आपका सोचना ही इंग्लिश में स्टार्ट होगा, तो उस दिन समझ जाना कि आप ट्रैक आ गए, आपकी इंग्लिश समझ चुकी है और आप कुछ भी कर सकते हो उस दुनिया के अंदर. ना इंग्लिश बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम. एंड इफ यू हैव इंग्लिश लैंग्वेज, अगर इंग्लिश की चीज़ें क्लियर हैं आपकी, इस दुनिया में कोई भी शोबा ऐसा नहीं है कि आप उसमें पीछे रह जाओ. इफ़ यू वांट टू बी अ डॉक्टर, इफ़ यू वांट टू बी इंजीनियर, इफ़ यू वांट टू बी मैकेनिक, व्हाटएवर, टीचर, कुछ भी बनना है आपने, तो हर सब्जेक्ट, डॉक्टर बुक्स आर इन इंग्लिश, इंजीनियर्स बुक आर इन इंग्लिश, हर सब्जेक्ट की बुक्स जो होती है वो इंग्लिश में होती है, आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली. सो यू हैव बीन ब्लेस्ड बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ताला. अल्लाह ने आपको ब्लेस किया, अल्लाह ने आपको यहाँ भेजा है, तो कोशिश ये करिए कंप्लीट कर लें, भले प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है. दूसरा क्या होगा कि जब आप इंग्लिश में परफॉर्म करते हो तो आपको एक डर होता है, यार सामने वाला हंसेगा, उसमें होता है सामने वाला हंसेगा, यार इंसल्ट फील करते हो आप लोग, यार सामने वाला हंसेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा ही होता है. तो आज का माइंड बना लो कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट है. व्हेन आई स्पीक इंग्लिश समवन मस्ट बी लाफिंग ऑन माई सेल्फ, लेकिन हमने नहीं हंसना, बिकॉज इफ यू आर लाफिंग ऑन समवन यू आर लाफिंग एट यू. अगर आप किसी का हंस रहे हो दैट मीन्स आप अपने आप में हंस रहे हो. तो जब आप किसी को हौसला नहीं दे सकते तो उसका हौसला तोड़ोगे नहीं, छीनोगे नहीं, आपको कोई हक नहीं है. तो दो तरीके क्या हैं, सुबह उठ के क्या देख रहे हैं हमने, क्या करना है? वीडियो देखनी है, ठीक है. और दूसरा क्या है, आई कैन डू इट. कैन यू डू इट गाइस? कैन यू डू इट? आवाज भी आ रही है. कैन यू डू इट? कैन यू डू इट? यस यस आई कैन डू इट. क्या बोलेंगे? आई कैन डू इट. वेरी गुड, शाबाश, ठीक है. तीसरी प्रॉब्लम क्या आती है हमारे पास कि मुझे ना उनसे बेटर करना है, मुझे उससे अच्छी इंग्लिश बोलनी है, तो यहाँ पर हम फंस जाते हैं. अगर आपने अपना ये माइंड बनाया हुआ है ना कि यार मुझे ना सर मुंतज़िर जैसे इंग्लिश बोलनी है, ठीक है, या मेरी जैसे सर सुलेमान जैसे इंग्लिश बोलनी है, तो आप यहाँ गलत हो. क्या पता आपका लेवल मुझसे भी ऊपर हो और आपने टारगेट कॉन्सेप्ट सेट कर लिया, मुझे इसके जैसा बनना है, तो आप उसी के जैसा बन पाओगे, उससे ऊपर नहीं जा पाओगे. तो आपने किसी को नहीं देखना, आपने बोला मुझे इंग्लिश बोलनी, क्या पता उससे ऊपर नहीं जाना.